एग्जाम्स के चैंपियन कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उनके डिटेल PDF सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। बेहतर तैयारी के लिए आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे SSC स्टेनो ग्रेड CMD 12 अक्टूबर 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का अ वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टार्ट करते हैं। ये कहता है, सात व्यक्ति ABCDEFG तक एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। E के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति हैं, GE का निकटतम पड़ोसी है, PF के ठीक दाईं ओर बैठा है, G और F के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं, AD के निकटतम बाईं तरफ बैठा है पंक्ति के। अब प्रश्न ये है कि पंक्ति के अंतिम बाईं छोर पर कौन बैठा हुआ है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या क्या है, सात व्यक्ति हैं यहाँ पर, ए से लेके जी तक है, एक ही पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवा। यहाँ पर आपका जो है वह बायां तरफ और यह दाईं दिशा। तो चलिए, सबसे पहले आपको दिया गया है कि ई के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब ई यहाँ पर है, क्योंकि ई के बाईं ओर दो व्यक्ति बैठे हैं, जी ई का निकटतम पड़ोसी है। अब जी देखो कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो सकता है या यहाँ पर हो सकता है, दो ही चीजें हैं, जी ई का निकटतम पड़ोसी है, बी एफ के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब बी जो है वो एफ के दाईं ओर, बी और एफ दोनों ही नई चीजें आ गई, इसको हम 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। आगे आपको दिया है जी और एफ के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर अगर जी और एफ के बीच में केवल तीन व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब जी यहाँ पर तो नहीं हो सकता, जी यहीं पर होगा, क्योंकि जी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति नहीं है अगर मैं जी को यहाँ पर बिठाती हूँ। तो इसका अर्थ हो गया कि जी जो है यहाँ पर बैठे, ठीक है। अब क्या है, जी और एफ के बीच में तीन व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 एफ हो गया आपका इधर, एफ यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे आपको दिया हुआ है कि ए डी के अब यहाँ पर एक और था, बी एफ के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पर बैठा हुआ, ये हो गया। आगे है आपके पास ए डी के निकटतम बाईं तरफ बैठा है, दो ही जगहें बाकी हैं, एक्चुअली तीन जगहें बाकी हैं, 1 2 3 पर दिया हुआ है ए डी के निकटतम बाईं तरफ बैठा है, तो बाईं यहाँ पर हो गई, डी यहाँ पर हो गया, बचता है मेरे पास सी, वो यहाँ पर बैठ जाएगा। अब ये इनका सही क्रम हो गया कि इस क्रम में ये सब दोस्त या व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं। प्रश्न क्या है आपके पास, पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, बाई छोर पर, अंतिम बाई छोर पर, ठीक है, अंतिम बाई छोर पर बैठा है सी, तो इसका अर्थ हो गया सी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है, विकल्प सी जो है वो मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 2, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को सही क्रम के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। फोंटीना, फोंड्यू, फोंडल, फोंडेंट, फोंटेनल और फोंडल। देखिए, आपको मालूम है अंग्रेजी शब्दकोश में जो शब्द आते हैं वो ए से शुरू होकर फिर जेड की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ए, उसके बाद बी, फिर सी के डी, ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे जो अल्फाबेट्स होते हैं वो रहते हैं। तो सब में एफ है, तो इसका मतलब एफ तो ये डिसाइड नहीं करेगा, उसके बाद ओ आ रहा है वो भी सब में आ रहा है, एन भी सब में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगला जो अल्फाबेट है वो है आपका टी, यहाँ पर है टी, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर डी के बाद यू है, यहाँ पर डी के बाद एल है, यहाँ पर डी के बाद ए है, और यहाँ पर टी के बाद ए है,
और यहाँ पर डी के बाद ई है। तो सबसे पहले देखिए ये आ जाएगा, सबसे पहला आपका शब्द होगा चौथा यानी कि फोंडेंट, ये फोंडेंट। उसके बाद आपका ई आ जाएगा, डी ई फोंडर छठा शब्द, फिर आपका डी यू, नहीं ये आएगा आपका फोंडर्ड तीसरा शब्द, डी यू नहीं डी एल आएगा पहले, उसके बाद डी यू आएगा जो कि मेरा दूसरा शब्द है फोंडर्ड। अब बचता है मेरे पास टी, यहां पर है टी के बाद आई और यहां पर है टी के बाद ए। तो ऑब्वियसली पहले ए वाला शब्द आएगा यानी कि पांचवा शब्द जो कि है फोंटेनल, और उसके बाद पहला शब्द जो कि होगा फोंटेनल। तो सही क्रम है 4 6 3 2 5 1, 4 6 3 2 5 1 दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3। एक निश्चित पूर्व भाषा में एक्शन को इस प्रकार से, बाय शॉप को इस प्रकार से लिखा जाता है, उसी भाषा में मैटर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का उपयोग करना है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है जो कि बहुत सारे प्रश्नों में यूज किया जाएगा, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा आप। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं ए बी सी डी, इस टेबल को प्लीज नोट कर लीजिएगा ई एफ, और जब आप प्रश्न आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाएंगे तब भी आप इसको कोशिश कीजिएगा कि बना के एक साइड में रख लें और इसको रेफर कर लें, बार बार बनाने की जरूरत आपको ना पड़े। एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 90% से ज्यादा क्वेश्चंस जो कि आपके अंग्रेजी के इन शब्दों पर अल्फाबेट्स के ऊपर आधारित होते हैं वो इसी से हल होंगे। तो चलिए इनको नंबर भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये है 26वां। तो सबसे पहले एक्शन शब्द और दूसरा है बाय शॉप। अब एक्शन किसमें परिवर्तित हो रहा है, डी एफ डब्ल्यू एफ एल की। तो यहाँ पे आप देखिए ए पहले स्थान पर है, सी तीसरे स्थान पर है, टी जो है आपका 20वें स्थान पर है, 9 और ये 15 और ये 14, 2 और 9 और ये है 19, 8 15 और 16 स्थान पर। अब ये बदल रहा है ई जो कि है 5वें स्थान पर, फिर आता है एल जो कि है 12वें स्थान पर, एस पे ये जाता है वी, फिर ई, फिर एल, फिर एम, एम है आपका 13वें स्थान पे, एल है आपका 12 और ये 5। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर डी आपका 4थे स्थान पे है, एफ होता है 6ठे स्थान पर, डब्ल्यू है 23, 6, 12 और 11। ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखिए जमा 3, यहाँ पर भी जमा 3, यहाँ पर भी जमा 3, माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पर जमा 3, 3 और बी कितने नंबर पे था, 22 पे, तो जमा 3 है, माइनस 3, माइनस 3 और ये माइनस 3। तो मेरा लॉजिक क्या है, पहली 3 जगहों में जमा 3 हो रहा है, आगे हमारे माइनस 3 हो रहा है। अब हमें निकालना है मैटर का कूटपथ, एम ए टी टी ई और आर। एम होता है आपका 12वें स्थान पर, 13वें स्थान पर, 1 20 20 5 और 18, 4
जमा तीन जो कि हो गया 16, 16वां स्थान होता है पी का, जमा तीन चार चौथा स्थान डी का, जमा तीन 23वां स्थान होता है डब्ल्यू का, माइनस तीन जो कि 17, 17वां स्थान होता है क्यू का, और माइनस तीन दूसरा होता है बी 15, और ये है ओ। ठीक है, तो मेरा शब्द क्या आया, मेरा कुंडपद आया पी डी डब्ल्यू क्यू बी ओ। सो ये है मेरा चौथा विकल्प, ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो उसी अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो सबसे पहले आपके पास है NLJ, ये जा रहा है J, H, F, D, B, B, Z, X। अब N है आपका 14वें स्थान पर, ये 12 और ये 10, J 10, F है 6, तो यहाँ पे देखिए माइनस चार माइनस चार माइनस चार। अब इसमें मैं माइनस चार करूंगी तो मैं कहाँ पर पहुंचूंगी, एक्स पे पहुंचूंगी जो कि 24वां स्थान है, पीछे चल रहे हैं हम। अब H 8, ये 4 और Z है 26, यहाँ पर भी उसी लॉजिक को फॉलो किया जा रहा है, माइनस चार माइनस चार, तो माइनस चार यहाँ पर आएगा 22, 22वां स्थान होता है B का। अब F जो है वो छठे स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे है, एक्स आपका 24वें स्थान पे है, माइनस चार 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 और चार, तो ये 20 हो गया आपका, 20वां स्थान होता है टी का, तो एक्स भी टी आपका आंसर है चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न भी चलते हैं, प्रश्न नंबर 5। यदि 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 1 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए आपको दिया गया है कि 1 जनवरी 2017 को रविवार था, ठीक है। अब 2016 सबसे पहले ये कौन सा था, ये एक लीप ईयर था, यानी कि इसमें 366 दिन थे। अब क्योंकि 2016 में 366 दिन थे तो इसमें विषम दिनों की, 2016 में विषम दिन कितने होंगे। अगर मैं इसको 7 से भाग करूं तो मेरे पास ये 52 सप्ताह और कितने दिन आ जाएंगे, 2 विषम दिन। अब रविवार से 2 दिन पहले, क्योंकि 2016 पहले आ रहा था, तो रविवार से 2 दिन पहले, रविवार से 2 दिन पहले शुक्रवार होता है, ठीक है। तो पहली जनवरी, क्योंकि यहां पर भी पहली जनवरी ही पूछी गई है, तो पहली जनवरी को उस दिन शुक्रवार होता। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न का आपने यहाँ पर चयन करना है। उसी अल्फाबेटिकल प्लेस्ड वैल्यू टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया है GLP, दूसरा है BEJ। अब जी है आपका 7वें स्थान पर, ये 12 और पी है आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी से जमा 5 जमा 4, ये 2 ये 5, जे है आपका 10वें स्थान पर, यहाँ पर जमा 3 और यहाँ पर जमा 5। अब के एन
एस और क्यू टी वाई। अब क्यू जो है 17, टी जो है वो 20 और वाई है 25 पे, के है आपका 11 पर, एन है आपका 14 पर, और एस जो है वो कितने पे है, 19 पे। ठीक है, तो यहाँ पर जमा 3 जमा 5 जमा 3 जमा 5, तो इसका मतलब ये भिन्न है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही जमा 5 और जमा 4 हो रहा है, बाकी सब में जमा 3 जमा 5 जमा 3 जमा 5 3 और 5 इसका उपयोग किया जा रहा है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, बिंदु ए बिंदु बी से 30 मीटर पूर्व में है। चलिए चलिए, इस प्रश्न को पूरा पढ़ने से पहले हमें एक आइडिया हो गया कि ये प्रश्न जो है वो दिशाओं के बारे में है। तो जब भी आप अपना प्रश्न हल करने जा रहे हैं, देखिए उसको सीधा सीधा हल करने से हम साथ साथ उसको पढ़ते रहेंगे और साथ साथ ही हम इसको लिखते रहते हैं। प्रश्न को शुरू करने से पहले दिशाओं का एक ज्ञान दे लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होती है, यहाँ पर आपका साउथ होता है यानी कि दक्षिण, यहाँ पर ईस्ट यानी कि पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब बिंदु ए बिंदु बी से 30 मीटर पूर्व में है, तो यहाँ पर अगर मैं बिंदु बी ले लेती हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु बी है, तो यहाँ पर बिंदु ए हो गया। आगे बिंदु सी बिंदु ए से 43 मीटर दक्षिण में है, तो यहाँ पर आपका बिंदु सी हो गया 43 मीटर दक्षिण में। अब बिंदु सी बिंदु डी से, देखिए बिंदु सी जो है बिंदु डी से 45 मीटर पूर्व में है, तो ये बी इधर की तरफ होगा, क्योंकि सी बोला गया है कि पूर्व में है डी के, तो डी होगा पश्चिम दिशा की ओर, और ये है 45 मीटर। आगे बिंदु ई बिंदु डी से 14 मीटर दक्षिण में है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर आपका डी था, और ये हो गया 14 मीटर। ठीक है, आगे एफ ई से ई के 35 मीटर पूर्व में है, बिंदु एफ बिंदु ई के 35 मीटर पूर्व में है। हमने सब बना लिया है। ठीक है, सब कुछ बन गया। अब प्रश्न है बिंदु एफ के संबंध में बिंदु बी किस दिशा में है, तो देखिए बिंदु बी है यहाँ पर और बिंदु एफ था आपका यहाँ पर, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये वाली दिशा है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, ये उत्तर पश्चिम में है, ये वाली दिशा जो है ये उत्तर पश्चिम है, यानी कि ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलना जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका समीकरण है। अब इस समीकरण को हल करने से पहले हम अपने बॉड मास का एक बारी याद कर लें। बॉड मास आपको कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं, उसके बाद डिवीजन यानी कि भाग, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जमा और फिर घटाव। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले, अच्छा देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स भी मेरे पास 3 प्रकार की हैं, जो गोल ब्रैकेट है, जो ये कर्ली ब्रैकेट है, और ये वाली वर्गाकार यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब इसका क्रम रहता है, ये सबसे पहले सॉल्व होती हैं, जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये बात दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पर आपकी जो वर्गाकार यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो हल की जाती है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते हुए सबसे पहले अगर मैं माइनस और जमा को, घटाव और जमा को आपस में बदल देती हूँ, तो ये समीकरण किस प्रकार आएगा। तो ये समीकरण होगा 82 - 22 जमा 6 गुना 2 भाग 2 जमा 4
गुना दो, ये 24 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हल करते हैं अपनी इन ब्रैकेट्स को। ये हो जाएगा मेरे पास 60 जमा 12 भाग 6 गुना 2, ये 24 के बराबर आना चाहिए। अब ये हो जाएगा 72 भाग 6 गुना 2, ये 24 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर आ गया 12 और ये 24 ही है, यानी कि पहला विकल्प ही सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ के होंगे। आप बी सी डी को सॉल्व करेंगे और आपका आंसर गलत आएगा। चलिए एक बार उनको भी कर लेते हैं ताकि हम पक्का हो जाए। आपको अपने पेपर में जब आप सॉल्व करने जाएंगे तब आपको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि समय की ऑलरेडी आपके पास कमी होती है, तो आप वहां मत कीजिएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं। अब दूसरे में मुझे भाग और जमा को परस्पर आपस में बदलना है, तो उसको बदलने के बाद मेरा समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 82 भाग 22 माइनस 6 गुना 2 जमा 2 माइनस 4 गुना 2, 24 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को हल करते हैं जो कि गोलाकार ब्रैकेट्स रहेंगे। तो इन दोनों को आपस में भाग करने पर मेरे पास आएगा 3.73 माइनस 12 प्लस माइनस 2 गुना 2, और ये मुझे देगा माइनस 8.27 माइनस 2, और ये बंद गुना 2, ये 24 आना चाहिए, और ये आएगा माइनस 10.10, और ये आपको देगा माइनस 20.54, जो कि 24 के बराबर नहीं है। तो ये मेरा उत्तर नहीं है, सी विकल्प, जिसमें आपको भाग और गुना को आपस में बदलना है। तो बदलने के बाद मेरा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, 82 जमा 22 माइनस 6 भाग 2 गुना 2 माइनस 4 भाग 2, ये 24 के बराबर आना चाहिए। अब फिर वही गोलाकार ब्रैकेट्स को अगर मैं पहले सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा ये जी, ये 24 के यहाँ पर गुना 2 नहीं भाग 2, सर यहाँ पर भाग 2, और ये हो जाएगा माइनस 101 नहीं 101 और जमा 2 गुना 2 जी, और ये आएगा माइनस 202 भाग 2, जो कि होगा माइनस 101, जो 24 के बराबर नहीं है। तो ये भी मेरा उत्तर नहीं हुआ। अब डी विकल्प में आपको बदलना है जमा और गुना को आपस में, तो ये आपके पास आएगा 82 गुना 22 माइनस 6 जमा 2 भाग 2 माइनस 4 जमा 2, ये 24 के बराबर आना चाहिए। अब ये हो जाएगा 1804 माइनस 8 भाग माइनस 2 जमा 2 बराबर है 24 के, और ये आएगा 1796 भाग माइनस 2, और ये आपको देगा माइनस 898 जमा 2, यानी कि ये 24 के बराबर नहीं है। तो ये भी मेरा उत्तर नहीं है। चलिए, हमारा आंसर तो पहले ही आ गया था, ये तो मैं आपकी नॉलेज के लिए ही बता रही थी। आप इस भाग को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि पेपर में आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर आ गया, जैसे ही आपको आंसर मिल गया आप वहीं पे रुक जाइए, अगले प्रश्न पे चलिए। चलिए हम भी चलते हैं। आपका पहला भाग प्रश्न पिछले प्रश्न का उत्तर था, अभी नेक्स्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद एक और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष
तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। पहला कथन, कुछ स्तनधारी पशु हैं और दूसरा कुछ पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी हैं। देखिए, इस तरह के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए हम वेन आरेख यानी कि वेनन डायग्राम का उपयोग करेंगे। ये वाले प्रश्न को लिए आपको वेन आरेख का ही उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपका ये प्रश्न बहुत ही आसानी से, जल्दी से और बिना किसी गलती के हल होगा। अदरवाइज आप कुछ ना कुछ गलती कर देंगे। देखिए, पहला आपका कथन था, कुछ स्तनधारी जो है वो पशु है। स्तनधारी, कुछ स्तनधारी, स्तनधारी वो पशु है। अब सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी हैं। पहला निष्कर्ष कहता है कि सभी पक्षी पक्षी जो है वो पशु है। नहीं, सभी पक्षी तो नहीं है ना पशु। देखिए, ये वाले पक्षी ऐसे पक्षी हैं जो कि पशु नहीं है, तो ये असत्य है। दूसरा, कुछ स्तनधारी पक्षी हैं। जी बिल्कुल, ये वाले स्तनधारी ऐसे हैं जो कि पशु हैं, और कुछ पशु सभी पशु जो है वो पक्षी हैं, तो ये वाले स्तनधारी पक्षी हैं, तो दूसरा आपका निष्कर्ष सही है। तो इसका मतलब केवल एक निष्कर्ष, एक सॉरी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। पहला ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो सबसे पहले है आपके पास 363, उसके बाद है 344, 325, 306, और अंत में आपके पास क्या होगा। देखिए, यहाँ से यहाँ जाने पर -19 हो रहा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो जाहिर से बात है यहाँ पर भी -19 होगा, और 306 में से 19 माइनस करने पर 227 87 आता है, जिसको देखते हुए डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो उसी प्रकार का प्रश्न है जो हमने अभी हल किया। सबसे पहले आपके पास 63, फिर 78, उसके बाद 108, फिर 153, और उसके बाद आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर 15 जमा हो रहा है, यहाँ पर 30 जमा हो रहा है, और यहाँ पर हुआ है 45 जमा। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर 15 का टेबल चल रहा है, 15 का पहाड़ा चल रहा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो ये है, एक मिनट, ये हो गया आपका 15 एकम, ये है 15 दूनी, और ये है 15 तीन। अब यहाँ पर आएगा 15 चौक यानी कि 7। अब इनको जमा करने पर यहाँ पर 213 आता है, जो कि है आपका तीसरा विकल्प, सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 12। सलमान अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है। अच्छा, वही वैसा ही प्रश्न है ये जो हमने पहले भी किया था दिशाओं के अनुपात में। अब सबसे पहले उसने बोला सलमान अपने कार्यालय से चलना आरंभ करता है, तो मान लेते हैं यहाँ पर सामान उसका कार्यालय है, तो यहाँ से उसने चलना आरंभ किया। अब वह दक्षिण, दिशाओं का ज्ञात होगा आपको, यहाँ पर था उत्तर, यहाँ पर था दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले सलमान अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर वो चलता है 29 किलोमीटर। अब वह दाएं मुड़ता है, दाएं दाएं यानी कि इस तरफ मुड़ता है, और 16 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 29 किलोमीटर चलता है।
में दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर। अब एक सीधी रेखा में अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ ये था उसका अंतिम बिंदु, यहाँ पर उसकी यात्रा समाप्त हुई है, और ये उसका आरंभिक बिंदु है, तो इन दोनों में कितनी जगह होगी? ये पूरा 16 था, तो 16 माइनस 13 यानी कि 3 किलोमीटर। जिसको देखते हुए सी विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से संख्याओं, अंकों का नहीं, का कौन सा आदान प्रदान किए दिए गए समीकरण को सही बनाएगा? संख्याओं का, ठीक है, तो आपने संख्या यानी कि 2 और 10 को आपस में आदान प्रदान मतलब बदलनी है उनकी जगह। तो चलिए सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, ये आपका समीकरण था, तो 2 और 10 को अगर मैं बदल लूं तो मेरा ये समीकरण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 14 × 4 / 2 / 2 - 20, ये 10 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब वही हम अपने याद रखेंगे बॉड मास को। बॉड मास कहता है ब्रैकेट्स, फिर ऑफ यानी कि का, फिर भाग, तो फिर गुना और फिर जमा और फिर माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हल करते हैं, 14 × 2 / 2 - 20। अब ये दोनों 28 / 2 - 20 यानी कि 30 - 20 यानी कि 10। तो मेरे तो यहाँ पर भी आपका वही जैसे पहले आया था, आपका पहला विकल्प सही आ गया था, यहाँ पर भी आपका पहला विकल्प ही सही आ गया है। चलिए बी को भी हल कर लेते हैं। अब बी में आपने किसको बदलना है? 2 और 14। इसमें 2 और 14 को अगर मैं बदल दूं आपस में तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो यहाँ पर 2 × 4 / 10 - 10 - किसको बदलना था, एक मिनट, 2 और 14 को, है ना, ठीक है, -20, तो यहाँ पर ये 14 आना चाहिए। अब वही सबसे पहले इन दोनों को मैं भाग करूंगी तो ये आ जाएगा, इन तीनों को ही कर लेते हैं ना क्योंकि गुना और भाग इकट्ठे चल जाएंगे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, तीनों को इकट्ठा कर लेती हूँ तो मेरे पास आएगा 0.8 / 10 - 20। देखिए अगर आपके पास गुना और भाग बिल्कुल आजू बाजू में बैठे हुए हैं, एक दूसरे के पास में बैठे हुए हैं, तो आप इनको इकट्ठा भी हल कर सकते हो, समय बच जाएगा आपका। ओके, तो अब ये मेरे पास आ जाएगा 10.8 - 20, ये मुझे देगा -9.2 जो कि 14 के बराबर नहीं है, तो सी बी विकल्प मेरा गलत हो गया। अब 10 और 20 को बदलना है, 14 × 10 = 4 / 20 / 20 - 10, ये 2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों इन तीनों को ही पहले हल कर लेते हैं, या इन दोनों को कर लो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद मेरे पास आएगा ये हल करने के बाद 14 × 4 = 56, तो एक मिनट, 14 × 4 / 20 तो ये 5, ये आएगा 2.8 / 20 - 10 = 22.8 - 10 = 12 12.8 जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में आपने 4 और 20 को बदलना है, तो 4 और 20 को बदलने के बाद मेरे पास आएगा 14 × 20 / 10, यहाँ पर 4 और 20 को बदलना है, तो 14 × 20 / 10 - 10 - 4, ये 2 के बराबर आना चाहिए। इसको पहले हल करते हैं, तीनों को हल कर लेंगे, मेरे पास आ जाएगा 28, 38 और ये आएगा 34 जो कि 2 के बराबर नहीं है, तो ये भी मेरा एक मिनट देख लूँ दोबारा से जी, तो ये मेरा सही उत्तर नहीं है, 28 जमा 10 जी। इसका अर्थ ऑप्शन ए मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये मेरे पास श्रृंखला है, इसमें आपने देखना है, इसमें हम फिर से वही अल्फाबेटिकल प्लेस वाली टेबल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जो हमने पहले किया था तो उसको ध्यान में रखिएगा आप इस प्रश्न को हल करते समय।
तो सबसे पहले आपके पास डी सी जेड, ये प्रतिस्थापित होता है एफ एफ वाई में, और यहाँ पर जे एल डब्ल्यू एल ओ वी, ठीक है। अब इनकी हम जगह लिख लेते हैं कौन कौन सी जगहों पर है। डी होता है आपका चौथे स्थान पर, 3 और 26, एफ है 6 6 और 25, जे है आपका 10 12 और 23, 12 15 और ये 22वें स्थान पे। तब यहाँ पर हम देखते हैं इनको ध्यान से कि कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ पर जमा 2 हो रहा है, यहाँ पर भी जमा 2 हो रहा है, तो बहुत हद तक यहाँ पर भी जमा 2 होगा, तो 8 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 8वां स्थान किसका होता है, ये होता है एच का। चलिए अब यहाँ पर हुआ है जमा 3, यहाँ पर भी जमा 3, तो इसका अर्थ यहाँ पर भी जमा 3 होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं जमा 2 करती हूँ तो 10 ही आ रहा है, यहाँ पर भी अगर मैं जमा 3 करती हूँ, 9 में जमा 3 करती हूँ तो 12 आता है, तो यानी कि 9 हो गया, 9वां स्थान होता है आई का। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, इसका अर्थ यहाँ पर -1, जो कि मुझे 24वां स्थान देगा। 24 में से 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास 23 आएगा, तो यानी कि मैं ठीक चल रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास आएगा एक्स। तो एच आई एक्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। प्रश्न नंबर 15, ए जमा बी का अर्थ है भाई, ए बी का भाई है। आगे है ए माइनस बी का अर्थ ए बी की माँ है। आगे है ए गुना बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, और ऐसे ही भाग का अर्थ ए जो है वो बी की बहन है। अब आपको दिया क्या गया है, एक्सप्रेशन सी जमा एम माइनस एस गुना के माइनस डी भाग क्यू, तो इसका अर्थ रहेगा सी एम का भाई है, एम एस की माँ है, एस के का पति, के टी की माँ और टी क्यू की बहन है, ठीक है। अब इसी को देखते हुए हम एक रिलेशनशिप जो है चार्ट बना लेते हैं। तो वंश आरेख का उपयोग करेंगे हम इसके लिए। वंश आरेख में आपके पास क्या रहता है, एक सर्कल एक महिला को दर्शाता है, इसमें एक स्क्वायर जो है वह एक पुरुष को, एक सिंगल लाइन जो है वो भाई बहन, भाई भाई या बहन 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 को, और डबल लाइन जो है वह विवाहित जोड़े को, एक ऐसी लाइन अगली पीढ़ी को दर्शाती है। तो इसी को देखते हुए सबसे पहले हमें दिया हुआ है सी एम का भाई है, तो सी भाई है, इसका मतलब सी एक पुरुष है और वो एम का भाई है। आगे एम एस की माँ है, एम माँ है एस की, उसके आगे दिया हुआ है एस के का पति है, मतलब एस एक पुरुष है, अब वो पति है के का, यानी कि के एक महिला है। आगे के टी की माँ है, के जो है वो टी की माँ है। उसके बाद दिया हुआ है टी क्यू की बहन है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दिए गए ऑप्शंस में से हमें ये ज्ञात करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले क्यू टी का पति है, नहीं यहीं पर दिया हुआ है क्यू टी की बहन है, यहाँ पर भी दिया हुआ है और यहाँ पर भी देखिए ये बहन है, तो इसका मतलब पहला ही कथन जो है वो मेरा गलत है। आगे है एम क्यू के पिता की माँ है, एम जो है क्यू के पिता, और क्यू के पिता कौन होंगे, क्यू के पिता होंगे एस, और एस की माँ है एम, तो यानी कि दूसरा कथन मेरा सही है। सी एस की माँ का भाई है, सी एस की, एस की माँ कौन है, एम, तो एम का भाई सी है, तो ये भी ठीक है। एस क्यू का पिता है, यहाँ पर देखिए एस जो है, एस के का पति है, क्यू की के का बेटा या बेटी क्यू है, तो फिर एस जो है वो क्यू का भी पिता है, तो ये ठीक है। इसका मतलब मेरा गलत वाला विकल्प जो है वो पहला ही है, ओनली ऑप्शन ए। तो
ये वाला जो विकल्प है मेरा पहला वाला, ये सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे क्यों टी का पति है यह असत्य है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो काफी आसान प्रश्न है क्योंकि त्रिभुज जो है वो बड़े ही क्लियर दिए हुए हैं इस प्रश्न में। यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक, ये दो, और ये बड़ा वाला, ये तीन। ऐसे ही 4, 5 और 6, 7, 8 और 9, 10, 11, और ये 12वां, और ये 13, और ये 14वां, और ये बड़ा वाला 15। तो कुल इसमें 15 त्रिभुज है। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंत निर्हित है, घूर्णन की अनुमति इस प्रश्न में नहीं है। तो आपको ये आकृति देखनी है कि किसमें है। यहाँ पर देखिए, आपको ऐसी आकृति जहां पर एक वी आकार बना है और बीच में डॉट है, डॉट यहाँ पर सिर्फ दो ही जगह पर है, और यहाँ पर मुझे इस प्रकार की आकृति कहीं भी नहीं दिख रही, तो पहला मेरा गलत है विकल्प। दूसरा, इसमें तो कोई भी डॉट ही नहीं है, तो डॉट का होना अनिवार्य था, तो इसका मतलब दूसरा भी गलत विकल्प हो गया। अब यहाँ पर डॉट है, ऊपर है, दो है। इस आकृति को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे लग रहा है ये कुछ इस प्रकार से है। यहाँ देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, इसको पेन को बदल लेते हैं जी। अब ध्यान से देखिए, ये और ये आपकी डॉट हो गई, उसके बाद ये एक सीधी लाइन नीचे आई, और ये आपकी इस प्रकार से। तो यहाँ पर वो आपकी आकृति बन रही है, और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये तो है, पर डॉट थोड़ा सा ऊपर चला गया, और यहाँ पर ये लाइन भी कंप्लीट नहीं हो रही। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, बी भी गलत, ए बी और डी ये गलत हो गए, सी मेरा सही विकल्प है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 18, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। संक्रियाएं संख्याओं को उस घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13, 13 पर ही संक्रियाएं की जानी चाहिए, जैसे 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि। 13 को आप 1 और 3 में नहीं तोड़ सकते हैं। तो 6, 12 और 9, 7, 23 और 15, 6, 12 और 9। अगर यहाँ पर आप देखें, 6 में अगर मैं 12 को जमा कर दूं, तो 6 में अगर मैं 12 को जमा कर दूं तो मेरे पास 18 आता है, और उसको मैं 2 से भाग कर दूंगी तो मेरे पास 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 7, 23 और 15, अगर मैं 7 और 23 को जमा कर दूं तो मेरे पास आता है 30, और उसको मैं भाग कर दूं 15 से तो मेरे पास आता है, माफ कीजिए, उसको मैं भाग कर दूं 2 से तो मेरे पास आता है 15, जो कि मेरी यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में तीसरी संख्या है। तो मतलब मेरा तर्क क्या रहेगा, पहली संख्या जमा दूसरी संख्या को भाग अगर मैं 2 से कर दूंगी तो मेरे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं पहला विकल्प, 14, 12 और 13। ए 14, 12 और 13, और बी 15, 7 और 8। अब अगर मैं 14 में 12 को जमा कर दूं और उसको 2 से भाग कर दूं, यानी कि ये होता है 26, और 2 से भाग करने पर 13, मेरी तीसरी संख्या आ गई। तो ये मेरा, हमें निकालना क्या था, कौन सा इसका अनुसरण कर रहा है, तो ये तो ठीक हो गया, बी ऑप्शन 15, 7 और 8। 15 और 7 को अगर मैं जमा करूं और उसको 2 से भाग करूं तो ये होगा मेरे पास 22, और ये आएगा 11, जो कि 8 के बराबर नहीं है, तो ये मेरा गलत विकल्प है। सी है 12, 20 और 8, और डी है 20, 40 और 60। अब इसको देखते हुए, 12 में जब मैं 20 को जमा करूंगी और 2 से भाग करूंगी तो मेरे पास आएगा 16, जो कि 8 नहीं है। ऐसे ही 20, 40 और ये 60, यानी कि 30, ये भी 60 के बराबर नहीं है, तो सी और डी भी मेरे गलत विकल्प हो गए। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पे।
उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। यानी कि इन दोनों संख्याओं में कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों में है, इसी प्रकार से 12 किससे संबंधित होगा। देखिए पहले आपके पास है 15 और 220, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 220 काफी पास है उसके, वो होता है 225, और उसमें अगर मैंने 5 माइनस किए तो 220 आता है। दूसरा है 10 और 95, 10 का स्क्वायर 100 में से 5 माइनस किए तो मेरे पास 95 आ गया। मतलब मेरे पास तर्क क्या रहेगा, पहली संख्या का स्क्वायर -5 ये मुझे दूसरी संख्या दे रही है, इसी प्रकार 12 का स्क्वायर -5 144, -5 ये बराबर रहेगा 139, जिसको देखते हुए बी ऑप्शन मेरा सही विकल्प है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएंगे। तो यहाँ पर इन आकृतियों को आप ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं इन आकृतियों को ध्यान से देख रही हूँ तो एक चीज है, यहाँ पर ये जो सफेद वाला पोर्शन है आपका वो एक एक बढ़ रहा है, मतलब आगे में ये भी कवर हो जाएगा, उसके आगे में ये भी कवर हो जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा, इस प्रकार इसमें ये भी कवर हो जाएगा। मतलब अब मेरी जो अगली आकृति है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। एक, दो, तीन, मतलब ये तो पहले से ही कवर था, इतना पोर्शन पहले से ही कवर था, और अब ये वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा, ये वाली आकृति भी ना पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार मुझे ये वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है, बाकी भी देख लेते हैं, ये गलत है, ये सब गलत है। तो इसका अर्थ पहला विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। यह कहता है कि सात व्यक्ति तनु रानो बीना शिरीन कनक आदित्य अंशु एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब कुछ इनके बैठने की आपस में श्रृंखलाएं दी हुई है कि कौन किस हिसाब से बैठा है, उसको करने से पहले एक एक को पढ़ेंगे और उसको करते जाएंगे हम। सबसे पहले देखिए कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, उत्तर दिशा की ओर उन्होंने मुख किया हुआ है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 4 5 और 6 और ये 7। ठीक है, अभी आपको मालूम है कि यहाँ पर बायां साइड होता है और यहाँ पर आपका दायां साइड। अब तनु के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब तनु यहाँ पर है ना। तनु और रानो के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब रानो इधर है, यहाँ पर रानो आ जाएगी क्योंकि तनु और रानो के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। ठीक है, ये 3। अब आगे, बीना शिरीन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। तो देखिए ये जो जगह बन रही है ना, सिर्फ यहीं पर बन रही है, बीना शिरीन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि अगर शिरीन यहाँ पर होगी, एक मिनट, शिरीन बाएं से दूसरे स्थान पर, वो और भी कहीं हो सकते हैं, एक मिनट, इसको हम 2 मिनट रोके रखते हैं, पहले इसको देखते हैं। बीना रानो की निकटतम पड़ोसी है, तो बीना यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब बीना शिरीन के दाएं से दूसरी ओर बैठी है, तो शिरीन यहाँ पर है, ये भी हो गया, और कनक आदित्य के निकटतम दाएं बैठी है, तो यहाँ पर यही हो गया, कनक जो है वो कनक यहाँ पर बैठी, आदित्य के निकटतम दाएं बैठी है। अब बचा कौन, एक ही बचता है, वो है अंशुल, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब प्रश्न क्या है, पंक्ति पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है रानो। ठीक है, तो इसको देखते हुए पहला विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 22। अब इसमें दिया है यदि डी बी के बराबर है जो कि सी से बड़ा है और सी एफ के बराबर है और ये भी सही है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है।
तो सबसे पहले देखते हैं, आपको दो चीजें दी हुई है। सबसे पहले आपको दी हुई है कि डी बी के बराबर है और बी सी से बड़ा है जो कि एफ के बराबर है, और दूसरा आपको दिया हुआ है एफ बी से छोटा है जो कि ई के बराबर है और ई जो है वो ए से छोटा है। अब आइए इसके एक एक करके सारे विकल्पों की एक एक करके जांच करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि ए एफ से छोटा है, तो देखिए यहाँ एफ जो है वो बी से छोटा है और बी बी यानी ई ए के बराबर है, ई जो है वो ए से छोटा है, तो ए जो है वो एफ से छोटा, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है वो बी से छोटा है जो कि ई के बराबर है जो कि ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए एफ से बड़ा है। पहला विकल्प मेरा गलत हो गया। दूसरा है एफ ई से छोटा है, ये सही है। देखिए कैसे, क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ है एफ बी के बराबर है और सॉरी एफ बी से छोटा है और बी और ए की बात होगी तो इसका मतलब एफ ई से भी छोटा होगा, ये बिल्कुल ठीक हो गया इस दूसरे वाले को लेके। और ई बी के बराबर है, कहीं पर नहीं दिया हुआ, देखो ई जो है यहाँ पर ई और डी, यहाँ पर भी ई और डी में कोई रिलेशन नहीं बताया जा रहा और यहाँ पर भी ई और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे देखो एक चीज है, ई डी बी के बराबर है ना, और यहाँ पर दिया हुआ बी ई के बराबर है, अच्छा यहाँ से तो आ गया दोनों ही बराबर हो गया। अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो बी जो है वो डी के बराबर है और बी जो है वो ई के बराबर भी है, तो इसका मतलब हो गया डी और ई सेम है, तो ये ठीक है, ये सही है, दूसरा भी सही हो गया मेरे पास। अच्छा आगे आपके पास है कि ए सी से बड़ा है, देखो यहाँ पर भी डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, बट हाँ मुझे एक चीज बताई गई है कि डी जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है और वो एफ के बराबर है, और एफ बी से छोटा है जो कि ई के बराबर है और ए से छोटा है, तो यहां से मेरे पास आ जाता है कि ए जो है वो सी से बड़ा है, तो तीसरा भी सही हो गया। अब मुझे पता क्या करना था, कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये है ऑप्शन ए, क्योंकि सिर्फ एक ये वाला था जो गलत था, बाकी तीनों मेरे सही है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 23। यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जमा है, एक बार देख ले, जमा का माइनस, माइनस का गुना और भाग का है जमा और गुना का है भाग, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 7 माइनस 12 जमा 72 गुना 3 भाग 11, ठीक है। अब माइनस किसने बदला था, गुना में, जमा किसने बदला माइनस में, गुना किसने बदला भाग में और भाग बदला जमा में। इस प्रश्न को करने के लिए बॉड मास का ध्यान रखिएगा, आपको जानकारी ही होगी कि बॉड मास किस बारे में होता है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और फिर अंत में सब्ट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले इन दोनों को भाग कर लेते हैं, तो 7 गुना 12 माइनस ये आ जाएगा 24 जमा ये, इन दोनों को गुना करने पर 84 माइनस 24 जमा ये, और ये हो जाएगा 95 माइनस 24 जो कि मुझे देगा 71। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर, है ऑप्शन डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, तो यहाँ पर यह है प्रश्न चिन्ह, इसको कौन सी संख्या जो है वो प्रतिस्थापित करेगी, तो 5, 14, 17 क्वेश्चन मार्क और फिर सेंटेंस। यहाँ पर देखिए 2 जमा 9 हो रहा है, यहाँ पर 3 जमा हो रहा है, अब यहाँ का मुझे आगे कुछ ज्ञात नहीं है, पर अगर मैं ऑप्शंस को देखूं तो उसके हिसाब से यहाँ पर 22, 22 और इसमें अगर मैं 22 लेती हूँ तो जमा 5 हो जाएगा और फिर ये जमा जाएगा 15, कोई भी इसमें तर्क नजर नहीं आ रहा मुझे, तो 22 को हम रहने देते हैं। आगे देखते हैं कौन सा है 20, तो यहाँ पे जमा 3 और 17, कोई भी आप नहीं बन रहा तर्क। आगे देखते हैं 30 को, तो ये जाएगा कुछ कुछ लग रहा है 13 और ये एक मिनट 7, नहीं ये भी नहीं। आगे है 34, तो यहाँ पर जमा हुआ है 17
और यहां पर जमा हुआ है तीन। तो अगर मैं इन सारी ऑप्शंस को देखती हूँ, यहाँ पर मैंने देखिए 22 का भी लिख लिया है, 20 का भी लिख लिया और 30 का भी लिख लिया, इन सबको अगर मैं देखती हूँ ध्यान से, तो मुझे जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो लग रहा है डी ऑप्शन। इसका रीजन एक ये भी है कि यहाँ से देखिए, अगर मैं 14 से 34 तक जाती हूँ तो मेरे पास जमा 20 होता है, इसी प्रकार 17 से जब मैं 37 पे जाती हूँ तब भी जमा 20 हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इन चारों ऑप्शन में से ही सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच जिस ऑप्शन का रहेगा वो डी रहेगा, और कोई भी विकल्प इतना ज्यादा इस आंसर पर सेट नहीं हो रहा है, तो इसके हिसाब से मेरा आंसर डी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25। तीन कथन और उसके बाद तीन निष्कर्ष दिए गए हैं कथनों को सत्य मानते हुए, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत से कथनों का अनुसरण करता है। पहला कथन, सभी होल्डर हैंगर हैं, सभी हैंगर हथौड़े हैं, कुछ हथौड़े कुल्हाड़ी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सभी होल्डर जो हैं वो हैंगर हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं सभी होल्डर जो हैं वो हैंगर हैं, सभी हैंगर हथौड़े हैं, तो कुछ इस प्रकार से। आगे, कुछ हथौड़े कुल्हाड़ी हैं, अब पहला निष्कर्ष मुझे कहता है कि कुछ कुल्हाड़ी हैंगर है। नहीं, देखिए कुल्हाड़ी और कुछ हैंगर यह सत्य है, क्योंकि कुल्हाड़ियों और हथौड़ों के बीच में कोई भी निश्चित संबंध कुछ कुल्हाड़ी हैंगर है, नहीं हथौड़ियों कुल्हाड़ियों के बीच में और होल्डर इसमें हैंगर के बीच में कोई भी सही आपको संबंध नहीं दिया गया, इसलिए यह केवल संभव हो सकता है बट इसका हम पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ हथौड़े होल्डर हैं। जी, कुछ हथौड़े जो हैं वो होल्डर हैं, बिल्कुल ये वाले हथौड़े जो है वो होल्डर हैं, क्योंकि सभी जो होल्डर थे वो हैंगर थे और सभी हैंगर हथौड़े थे, तो कुछ हथौड़े जो है वो होल्डर है, दूसरा सही है। ऐसे ही कुछ हैंगर होल्डर है, बिल्कुल कुछ ये वाले हैंगर है ये होल्डर भी है, तो दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 26। यदि जमा का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। यहाँ पे इस व्यंजक को एक बार लिख लेते हैं, ये है 43 गुना 23 माइनस 4 भाग 3, 12 माइनस 4 भाग 3। अब इसको बदल लेते हैं इनके अनुसार, ये बन जाएगा मेरे पास 43 माइनस 23 जमा 4 गुना 3 भाग 12 जमा 4 गुना 3। इसका मान आपने ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को हल करेंगे, बॉड मास को ध्यान में रखिएगा, तो उसके अनुसार ये हो जाएगा आपका 43 माइनस 23 जमा, सबसे पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा, 12 भाग 16 गुना 3, ये आ जाएगा मेरे पास इनको अंदर से हल करने पर 20 और 32 भाग 48, नहीं इसको 1 मिनट, ये ऐसे ही रहेगा 16 गुना 3, तो ये होगा 32 भाग 16 गुना 3, यानी कि सबसे पहले भाग 2 गुना 3 और 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे कि जैसे दिए गए समूह की संख्याएं। ध्यान दीजिए कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संपूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसे 13 पर ही संक्रिया होगी, अगर 13 अंक दिया गया है उसको आप 1 और 3 में तोड़ नहीं सकते और उस पर कोई भी संक्रिया नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो दो पेयर आपको दिए हुए हैं वो है 4, 10 और 23। अगर मैं इसको देखती हूँ तो 4 को अगर मैं 3 से गुना करूं और उसमें 10 को जमा कर दूं, मेरे पास आता है
12 और 10, अगर मैं ये आ गया मेरे पास 22, और इसमें मैं एक जमा कर दूं तो मेरे पास 23 आ गया। दूसरा जो समूह है वो है 8, 22 और 47। अब इसमें अगर मैं 8 को गुना करती हूँ 3 से और उसमें 10 जमा कर देती हूँ, 24 जमा 10 ये मेरे पास आ गया 34। और एक मिनट, यहाँ पर 22, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 22 है। और एक मिनट जी, तो ये 24 और ये 22, ये मेरे पास आ जाएगा 46, और उसमें एक जमा किया तो 47, जो कि मेरी तीसरी संख्या है। तो इस प्रकार मेरा तर्क कुछ इस प्रकार से बनेगा कि पहली संख्या को अगर मैं 3 से गुना करती हूँ और उसमें मैं दूसरी संख्या को जमा करती हूँ तो मेरे पास तीसरी संख्या आ जाएगी। तो पहला है 6, 16 और 29, और दूसरा 5, 13 और 23। तो 6 को अगर मैंने 23, 3 से गुना किया और उसमें 16 जमा किया, 18 और 16 ये 34, जो कि 29 नहीं है। 5 को 3 से गुना करके उसमें 13 जमा किया, 15 और 13 28, जो कि 23 नहीं है। तो ये दोनों गलत हो गए। आगे लिख लेते हैं, जो सी है वो है 10, 28 और 53, और डी है 7, 19 और 41। अब 10 में 3 गुना किए उसमें 28 जमा, ये मेरे पास आ गया 58, जो कि 53 नहीं है, ये भी गलत हो गया। एक मिनट, यहाँ पर एक जमा करना रह गया, माफ कीजिए, एक चीज रह गई, एक जमा करना था जी। और यहाँ पर भी एक जमा होगा, यहाँ पर भी एक, और ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 59। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 7 में 3 गुना किया जमा ये, और 21 जमा 20 ये आ गया 41, जो कि मेरी तीसरी संख्या है। तो इसका मतलब डी मेरा सही विकल्प। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 28। दो कथनों और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उनको सत्य मानते हुए भले ही वह मानते क्या तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय लेके कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है। पहला, कुछ कंबल रजाई है, वेन आरेख का ही प्रयोग करेंगे हम इस प्रश्न में भी, कुछ कंबल रजाई है और कुछ रजाई जो है वो चादर है। अब निष्कर्ष, सभी रजाई जो है वो कंबल है, ये गलत है, क्योंकि कुछ कंबल रजाई है इसलिए केवल संभव हो सकता है, इसका हम पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, सभी कंबल चादर है, नहीं, ये भी इसका हमें कुछ आपस में रिलेशन नहीं दिया गया तो हम इसको भी नहीं सही मान सकते, इसका मतलब दोनों ही निष्कर्ष गलत। बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 29, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जाना चाहिए और शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होनी चाहिए। ऐसे बोरी जूट से संबंधित है, उसी प्रकार टोकरी किस चीज से संबंधित है। देखिए, बोरी जूट से बनाई जाती है ना, तो इसी प्रकार टोकरी किस चीज से बनाई जाती है, टोकरी बांस से बनती है, रेयॉन की टोकरी नहीं होती, संगमरमर जो कि पत्थर है उसकी भी टोकरी नहीं होती, कपास कपड़ा बनाने में काम आता है, कॉटन होता है, ये भी इससे भी टोकरी नहीं बनती, बांस से टोकरी बनती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 30, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यहां पर अगर आप इसको देखें, ये आकृति ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये सीधा, ये इधर, ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे,
ये आकृति मुझे यहाँ पर ही मिल गई है। दूसरी में देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई भी आकृति मुझे बनती दिखाई नहीं दे रही, और यहाँ पर भी ऐसा घुमाव जो है, जो कि ये कुछ इस प्रकार का घुमाव है, तो ये वाला घुमाव, ये वाला जो घुमाव था, ये इन दोनों में भी मुझे कहीं पर नहीं दिख रहा। तो इसका अनुसार मेरे को पहले में वो घुमाव मिल गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों के सार्थक अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, और शब्द शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं माना जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से घड़ी समय से जो है रिलेटेड है, संबंधित है, दिशा सूचक यंत्र किससे संबंधित है? देखिए, घड़ी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समय मापने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो दिशा सूचक यंत्र हमें क्या दिखाता है? वो हमें दिशा दिखाता है। दिशा सूचक यंत्र हमें ऊंचाई नहीं दिखाता, भार भी नहीं बताता, हृदय दर भी नहीं बताता, वह हमें दिशा बताता है, जिसको देखते हुए दूसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। इस प्रश्न में पैटर्न की जानकारी रखने के लिए निम्नलिखित प्रश्न के स्थान पर कौन सा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो ध्यान से इन आकृतियों को देखते हैं कैसे ये किस प्रकार से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो हार्ट है सबसे पहले इधर आ गया, बी इस पोजीशन पे चला गया, साथ ऊपर चला जाता है, और टी ऊपर आ गया है यहाँ पे देखिए, और जो थ्री है वो इस तरफ चला गया, जेड नीचे की तरफ आ गया और ओ इस तरफ चला गया। ठीक है, तो मेरे पास ये दूसरी आकृति आ गई इसी को फॉलो करते हुए। अब दूसरी आकृति में क्या हो रहा है? वही पैटर्न दोबारा से ध्यान से देखते हैं। अब साथ कहाँ जा रहा है? इधर, ठीक है, और यहाँ पर अब इसमें टी चला गया मेरा नीचे यहाँ पर, और तीन आ गया हार्ट की जगह पे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, तीन आ गया मेरा हार्ट की जगह पे, ये चला गया है इधर, और जेड चला गया है ऊपर, ओ चला गया इधर की तरफ, और बी चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हो गया, और ये मेरी तीसरी आकृति बन जाएगी इसी प्रकार से। अब तीसरी आकृति चौथी में किस प्रकार से बदल रही है, तीसरे चरण में क्या हो रहा है? यहाँ पर जेड इधर की तरफ जा रहा है, और सात सॉरी इधर की तरफ जा रहा है, जेड नीचे को नीचे की ओर आ गया, हार्ट इधर को चला गया, टी ऊपर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो टी ऊपर की तरफ जा रहा है सात की तरफ ऐसे, और ये इधर, टी इधर, ओ ऊपर चला गया, और मेरे ख्याल सब कुछ हो गया जी। तो ये इस प्रकार से बदल रही है। अब चौथे चरण में ये मेरे पास इसको करके ये चौथी आकृति आ जाएगी। अब चौथे चरण में इसी पैटर्न को अगर मैं देखूं, उसी पैटर्न को अगर मैं फॉलो करती हूँ, तो अब ओ कहाँ पर जाएगा? इधर की तरफ, और टी नीचे को और आ जाएगा यहाँ पे देखिए इधर, और ये जाएगा इधर, ये ऊपर, साथ इधर आएगा, बी इधर की ओर, और जेड ऊपर की ओर। अब इसको देखते हुए जो यहाँ पर आकृति बनेगी वो होगी थ्री, यहाँ पर आएगा ओ या जीरो जो कुछ भी वो है, यहाँ पे आएगा जेड, यहाँ पे आएगा हार्ट शेप, और टी, और यहाँ पर बी, और बीच में रहेगा सात, यहाँ पे बीच में सात रहेगा। अब ये किसके साथ मैच करता है ये हम ध्यान से देख लेंगे। थ्री ओ जेड हार्ट बी सेवन, ये पहले विकल्प इसी के साथ मैच कर गया है, तो यही मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 33। दी गई श्रृंखला को पूरा पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? तो टूवा यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, ये सब कुछ। अब इसको देखते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं टी यू डब्ल्यू ए,
और आगे मुझे नहीं मालूम यहाँ पर क्या रहेगा, उसके आगे है आर आई एस आई, उसके बाद है क्यू ई क्यू ओ और पी ए ओ यू, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए क्यू का पीछे पिछला वाला जो शब्द होता है वो पी रहता है और ये वॉवल आते हैं। देखिए वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ई का पिछला वॉवल जो है वो ए है, तो ये पिछला वॉवल माइनस वन वॉवल्स में। अब क्यू के पीछे जो होता है क्यू एम एन ओ पी क्यू, तो माइनस दो, और इसका भी ये अगला वॉवल है यानी कि प्लस वन वॉवल। अब यहां पर भी हम देख लेते हैं आर, और इसमें यहाँ पर माइनस वन, ये आपका माइनस वन यानी कि पिछला वॉवल है, और ये माइनस दो, और ये अगला वॉवल है। इसी प्रकार से यहां पर अब हम देखते हैं, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन वॉवल, यहाँ पे माइनस टू, और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस वन। ठीक है, अब टी के आगे टी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे आएगा एस, एस के पीछे वाले आर होता है, ये ठीक हो गया। यू का पिछला वॉवल ओ रहता है, ओ का पिछला वॉवल आई, और डब्ल्यू से दो शब्द पहले आपके पास एस आता है, और नहीं डब्ल्यू से दो शब्द पहले लास्ट यू आता है, यू आता है, और यू से दो शब्द पहले जो है वो एस आता है। ए के आगे का वॉवल होता है ई, और ई के आगे का वॉवल होता है आई, तो इसका मतलब एस ओ यू ई, ये मेरा सही उत्तर है, एस ओ यू ई, बी ऑप्शन मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34, एक निश्चित गूढ़ भाषा में एग्जिस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है और अबव को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी भाषा में वर्ल्ड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल दोबारा से करेंगे। चलिए बहुत देर हो गई, एक बार दोबारा से बना लेते हैं उस टेबल को, पर आप अपने जब आप अपना पेपर देने जाएंगे तब आप उसको बार बार मत बनाइएगा, आप उसको लिखकर एक जगह रख लीजिएगा और उसी को रेफर कीजिएगा। चलिए बना लेते हैं एक बार और। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और अब इनको नामांक दे देते हैं, स्थानांक दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 और ये 26। अब इसको देखते हुए सबसे पहले आपके पास कौन सा शब्द था, एग्जिस्ट, जो कि बदलता है एफ वाई एच टी यू में, और अबव के बदलता है बी सी एन डब्ल्यू और एफ में। अब यहां पर देखिए ई के बाद एफ आता है, एक्स के बाद वाई आता है, आई से पहले एच आता है, तो ये माइनस वन है, ये दोनों प्लस वन है, एस के बाद टी आता है और टी के बाद यू आता है, इसी प्रकार ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ओ से पहले एन आता है, जमा एक और जमा एक, तो लॉजिक आपको पता लग गया है, तर्क आपको पता लग गया है, जमा एक माइनस एक जमा एक और जमा एक। ठीक है, अब इसको ही देखते हुए वर्ल्ड किसने प्रतिस्थापित होगा, W के आगे का अक्षर X होता है, O के आगे का अक्षर V, R का पहला Q,
एल के आगे एम और डी के आगे ई जमा एक माइनस एक जमा एक और जमा एक, तो एक्स पी क्यू एम ई, एक्स पी क्यू एम ई, ये आपका पहला ऑप्शन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते, प्रश्न नंबर 35, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो वेन आरेख का ही प्रयोग करेंगे जैसा कि हमने अपने पिछले प्रश्नों में किया था, यानी कि वेन डायग्राम। इसमें दिया गया है सभी ब्रेड जो है वो केक है, अंग्रेजी में लिख लें इसको, सभी ब्रेड, थोड़ा छोटा लिख, सभी ब्रेड केक है और कुछ केक पेस्ट्रीज हैं, सभी पेस्ट्रीज टॉफी हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का वेन आरेख बना है। पहला निष्कर्ष हमें कहता है सभी केक जो है वो टॉफी है, यह सत्य है, सभी केक जो है वो टॉफी नहीं है, सिर्फ कुछ ही केक है वो टॉफीज है, तो ये वाला सत्य हो गया। दूसरा, कुछ ब्रेड, कोई ब्रेड पेस्ट्री नहीं है, ये भी असत्य है, ब्रेड ब्रेड और पेस्ट्री के बीच में कोई भी निश्चित संबंध आपको यहाँ पर नहीं दिया गया, तो और कोई भी नकारात्मक कथन भी नहीं दिया गया, इसलिए हम इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि केवल संभव हो सकता है, हम इसको पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते हैं, तो ये दोनों ही विकल्प गलत है, माफ कीजिए, दोनों ही निष्कर्ष जो है वो गलत है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह, तो ये है आपके पास 13 और ये है 39, 65, 91 और 117, अंत में प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे जमा 26, 26, 26, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जमा 26 करने के बाद यहाँ पर आएगा 143, जिसको देखते हुए डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक डॉट है, यहाँ पर 3, 5, 7, तो अब यहाँ पर 9 हो जाएंगी, सिंपल सी बात है ना, दो दो में बढ़ रहे हैं ये, तो 9 तो इसी में है और किसी में भी 9 नहीं है, बी ऑप्शन सही, समझ गए होंगे आप आशा करती हूँ। आगे है प्रश्न नंबर 38, एफ प्लस आर का अर्थ है एफ आर की माता है, तो जमा का मतलब माता, आगे आपको दिया है घटाव का मतलब पिता, भाग का मतलब पति, गुना का मतलब पुत्री, ठीक है, तो अब हम अपने वही वंश आरेख का भी ध्यान रखेंगे जो हमने पिछले एक प्रश्न में किया था, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता प्रश्न है इस बार दोबारा से, जो एक सर्कल होगा वो एक महिला को दर्शाएगा, एक ये जो एक स्क्वायर है वो एक पुरुष को दर्शाएगा, ऐसी लाइन अगली पीढ़ी को दर्शाएगी, विवाहित जोड़ा और भाई 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 बहन या बहन बहन, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है ए भाग सी गुना बी जमा क्यू माइनस सेवन, क्यू ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया ए सी का पति है, सी बी की पुत्री है, बी क्यू की माता है और जेड क्यू जो है वो जेड का पिता है, ठीक है, इसी को देखते हुए हम अपना वंश आरेख बनाते हैं।
अब उसके अनुसार सबसे पहले ए सी का पति है, तो ए एक पुरुष हो गया जो कि पति है, सी का सी महिला हो गई। अब सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है और बी क्यू की माता है, बी क्यू की माता है। आगे आपको दिया हुआ क्यू का पिता जेड है, तो इसका मतलब बी और क्यू आपस में, माफ कीजिए, एक गलती यहाँ पर ये हुई है, सी बी की पुत्री है, बी सी की पुत्री नहीं है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हुआ है। देखिए सबसे पहले तो ए जो है वो सी का पति है, ये ठीक था हमारा। अब उसके बाद है सी जो है वो बी की पुत्री है, तो बी ऊपर आएगा, सी बी की पुत्री है और बी जो है वो क्यू की माता है, तो यहाँ पर कोई क्यू ले लेते हैं जो बी है क्योंकि माता है, तो बी आपका महिला हो जाएगी। ठीक है यहाँ तक ठीक है। अब क्यू जो है वो जेड का पिता है, वो जेड का पिता है मतलब क्यू एक पुरुष है। तो देखिए सी की माता जो है वो बी है और सी की क्यू की माता भी बी है, इन सी की भी और क्यू की दोनों की माता बी है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, क्यू ए से किस प्रकार से संबंधित है, तो ये रहा क्यू और ये रहा ए, तो इसका मतलब क्यू जो है वो ए क्यू की पत्नी का भाई है। ठीक है, क्यू की पत्नी सी, सी का माफ कीजिए क्यू का भाई जो बहन, माफ कीजिए क्यू की बहन जो है वो सी है और सी का पति ए है, तो ए जो है वो क्यू की पत्नी का भाई है, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे, यहाँ पर इस वेन आरेख के मुताबिक जो ए है वो पति है सी का और सी और क्यू आपस में भाई बहन है, तो इसका मतलब ए और क्यू में क्या रिलेशन है, ए क्यू की पत्नी का भाई है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 39, गणितीय चिन्हों को उस सही संयोजन का चयन करिए जो क्रमिक रूप से ए को प्रतिस्थापित कर सके और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कर सके, तो यानी कि आपको ये देखना है कि ए की जगह पर कौन से ऑपरेटर्स जो है वो चेंज होंगे तो आपके पास एक सही समीकरण बन जाए, सही उत्तर बन जाए। तो सारी ऑप्शंस को हम एक एक करके ट्राई करेंगे। इसमें सबसे पहले ये आपके पास समीकरण था, पहली ऑप्शन को अगर मैं फिल करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 28, अब यहाँ पर आएगा जमा, यहाँ पर माइनस, फिर भाग रहेगा और फिर ये गुना और बराबर और जमा, इसके मुताबिक यहाँ पर ये बनेगा 28 जमा 14 माइनस 12 भाग 6 गुना 4 बराबर है 3 जमा 4। तो बॉड मास का ही ध्यान रखेंगे हम इस प्रश्न को करने से पहले, बॉड मास के मुताबिक सबसे पहले हम भाग करेंगे इनको आपस में, तो 28 जमा 14 माइनस ये 2 आ जाएगा गुना 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास माइनस ऐसे आ जाएगा और ये 42 और ये 24 है ना, ये 7 के बराबर नहीं क्योंकि यहाँ पर 7 आना चाहिए था पर ये 7 नहीं आया, तो मेरा पहला जो है विकल्प वो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में अब ए की जगह पर क्रमशः हम इन ऑपरेटर्स को रखेंगे, तो इनको रखने के बाद मेरे पास आ जाएगा 28 माइनस 14 जमा 12 गुना 6 बराबर है 4 भाग 3 जमा 4 के, तो सबसे पहले ये दो आपस में गुना होंगे 28 माइनस 14 और यहाँ पर आएगा 72 और यहाँ पर अगर इसमें सॉल्व करूंगी ये आएगा 1.33 जमा 4। अब इनको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को पहले जमा कर लेंगे आपस में, तो मेरे पास आएगा पूरा का पूरा 100 माइनस ये और ये इधर आना चाहिए पर ये देखिए ऑब्वियसली नहीं आ रहा, यहाँ पर 86 है और यहाँ पर 5.33, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो बी ऑप्शन मेरा गलत उत्तर है। अब सी ऑप्शन की ओर चलते हैं, अब आपने इनको प्रतिस्थापित करना है ए की जगह पर, तो यहाँ पर आएगा 28 माइनस 14 जमा 12 भाग 6 बराबर आना चाहिए 4 गुना 3 जमा 4 के,
तो सबसे पहले इन दोनों को करते हैं आपस में भाग, 28 माइनस 14 जमा 2, और 30 माइनस 14 यहाँ पर आएगा 16, और यहाँ पर आएगा 12 जमा 4, यहाँ पर भी 16 आ गया है। ये दोनों बराबर है, मतलब सी मेरा सही उत्तर है। चलिए डी को भी देख लेते हैं, वैसे तो हमारा उत्तर आ ही गया है, बट डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब इसको आपस में बदलने के बाद, एक के स्थान पे स्थापित करने के बाद, मेरे पास जो विकल्प आएगा वो रहेगा 8 माइनस 14 जमा 12 भाग 6 गुना 4, बराबर आना चाहिए 3 जमा 4 के। तो ये दोनों आपस में होंगे 8 माइनस 14 जमा 2 गुना 4, ये हो जाएगा, पहले अब इनको करेंगे 8 माइनस 14 जमा 8, और ये 16, और ये 2, और यहाँ पर रहेगा 7। तो 2 7 के बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40, उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो ध्यान से देखिए आप इस आकृति को, और ये देखिए कि ये किस में सम्मिलित है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं ध्यान से, तो यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर, ये एक मिनट, ये ऐसे ऐसे इस प्रकार से ये हो जाएगा, और ये ऊपर थोड़ा सा इधर नीचे, और फिर ऐसे, ये रही आपकी आकृति, ये बात जो मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ की है, और ये इस प्रकार से जी, ये आकृति जो है ये यहाँ पर है। तो हमारा उत्तर मिल गया है, बाकियों की देखने की एक बार देखना है, तो अभी हम प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसी मुझे कोई भी आकृति नहीं मिल रही है, देखिए जो शेप यहाँ पर दी गई है ऐसी कोई भी आकृति यहाँ पर नहीं बन रही, ना ही इधर बन रही है। ध्यान से देखिए, क्योंकि सारी आकृतियां जो है वो कोई भी आकृति ये वाला शेप नहीं बना रही, कुछ इस तरीके का शेप कहीं नहीं बना रही, और यहाँ पर भी आपको वो आकृति नहीं मिलेगी। जिसको देखते हुए ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को आपस में प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले है 69, 70, 74 और 83, प्रश्न चिन्ह 124। यहाँ से यहाँ आप एक गए हैं, जमा एक है, यहाँ पर जमा चार है, यहाँ पर जमा नौ है, और आगे मुझे नहीं ज्ञात। बट एक चीज देखें, ये है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 3 है 9 है 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ पर जो ऐड होगा वो है 4 का स्क्वायर, यानी कि जमा 16। 83 में जब मैंने 16 को जमा किया तो मेरे पास 99 आता है। तो चलिए एक बार और देखते हैं, अगर इसमें मैं 5 का स्क्वायर यानी कि जमा 25 करती हूँ, तो हाँ मेरे पास 124 ही आता है। जिसको देखते हुए बी विकल्प मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन बी मेरे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। उस सही विकल्प का चयन करिए जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, बाल विहार या महाविद्यालय। देखिए प्रारंभिक बचपन से तृतीयक शिक्षा तक की शैक्षिक यात्रा को प्रतिनिधित्व करने वाला सही क्रम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम बाल विहार में जाते हैं, जहां पर प्रारंभिक बचपन की शिक्षा दी जाती है, नंबर 4। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय, यानी कि जहां पर जब हमें प्रारंभिक शिक्षा मिलती है, ये है आपका दूसरे नंबर। फिर है आपका माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, जहां पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होती है, यानी कि नंबर 3। फिर आता है वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां पर आपको हाई स्कूल के अंतिम वर्ष की शिक्षा प्राप्त होती है, ये है आपका पहले नंबर पर। और अंत में आप जाते हैं महाविद्यालय, जहां पर आपको तृतीयक शिक्षा प्राप्त होती है। तो सही क्रम है 4 2 3 1 5, और 4 2 3 1 5 बी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। उस विकल्प का चयन करिए जिसमें दी गई आकृति
सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, ये आकृति आपको देखने में तो लग रहा है यहाँ पर है, पर देखिए यहाँ पर ये लाइन है और यहाँ पर ऐसी कोई भी लाइन मौजूद नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई भी लाइन मौजूद नहीं है, अदरवाइज ये पूरी आकृति यहाँ पर थी आपकी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाता है, दूसरे में देख लेते हैं। हाँ, ये बन गया आपकी आकृति, देखिए। और सर्कल भी है यहाँ पर, ये बात। तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। सी में देख लेते हैं, हमें वैसी आकृति मिल है रही है या नहीं। सी के अंदर नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो सी नहीं है। और डी में भी मुझे ऐसी कोई आकृति नहीं मिल रही, मेरे पास बी ऑप्शन आ ही गया था, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44। यदि ए का अर्ध भाग है, बी का अर्ध गुना है, सी का अर्ध जमा है और डी का अर्ध माइनस है, तो निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये है आपका, यहाँ पर देखते हैं, अब काफी इजी है, आपने ए बी सी डी की जगह पर इन ऑपरेटर्स को ही फिल करना है। तो यहाँ पर आपका था 11, बी 10, डी 18, ए 3, सी 8 बराबर किसके। तो बी था आपका गुना 10, डी है माइनस, ए है भाग, सी है जमा। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए, बॉर्ड मास हमारे पास है ही, उसका ध्यान रखिए। तो 11 गुना 10 माइनस 6 जमा 8, 110 माइनस 6 जमा 5, और इन दोनों को जमा करेंगे तो 118 माइनस 6 यानी कि 112। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान है और एक जो है वो भिन्न है। आपको उसका ज्ञात करना है कि भिन्न कौन सा है। अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल को ध्यान में रखिएगा ऐसे कोई भी अक्षर समूह के प्रश्नों को करते हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये सारे के सारे प्रश्न 90% से ज्यादा उसी से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पर पहला है आपके पास जी टी एम एन, पास लिख लेते जी टी एम एन, और ये आपके पास पहला विकल्प है। दूसरे विकल्प में एच एस एन और एम। तो देखिए यहाँ पर अगर अल्फाबेटिकल, मेरे ख्याल में मुझे एक बार बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा ये प्रश्न। चलिए बना लेते हैं उसको एक बार। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बहुत 26। तो पहला आपका पास विकल्प था जी टी एम एन। तो यहाँ पे देखिए जी और टी जो है वो ऑपोजिट है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, और जी का स्थानांक जो है वो 7 है, टी का 20 था, एम का है 13, एन का है 14। तो एम और एन भी ऑपोजिट है यहाँ पर, यहां से यहाँ जमा 6 हो गया। चलिए आगे है एच एस एन एम, ये दोनों भी ऑपोजिट हैं और एच और एस भी ऑपोजिट है यहाँ पे देखिए। एच का स्थानांक 8 है, एन का स्थानांक 14 है, यहाँ पर भी जमा 6 ही हो। आगे चलते हैं ईवी केपी। और डी ऑप्शन है आपके पास जी आर डी और वी। तो ई और वी यहाँ पे देखें तो ये भी ऑपोजिट है,
और के और पी, ये भी ऑपोजिट, तो ये ऑपोजिट, ये भी ऑपोजिट, ये आपका पांचवें स्थान पर और के है आपका 11वें स्थान पर, तो यहाँ पर भी जमा 6 हो रहा है। तो देखिए सभी में अभी तक सब सेम ही रह रहा है, सेम आपका तर्क फॉलो। अब जे और आर, जे यहाँ पर है, जे और आर ऑपोजिट नहीं है, ये देखिए जे और आर ऑपोजिट नहीं है, जे के ऑपोजिट क्यू है, तो ये नॉट ऑपोजिट। पी वी, पी और वी भी आपस में ऑपोजिट नहीं है, नॉट ऑपोजिट। अब जे का स्थान अंक है 10 और पी का स्थान अंक है 16, हाँ यहाँ पर जमा 6 तो हो रहा है, पर ऑपोजिट वाला जो तर्क है वो फॉलो नहीं हो रहा, इसके कारण डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, उस विकल्प का चयन करिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो यानी कि इन दोनों में कुछ आपस में तर्क स्थापित हो रहा है, वही तर्क इन दोनों में और इन दोनों में भी है, ठीक है। तो चलिए तर्क देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 54 और यहाँ पर है 3, और दूसरा मेरे पास जो संबंध दिया गया है वो है 500 और 5 का। फोर और 3 और 500 और 5 का। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर देखिए यहाँ पर 500 और 5 में बहुत ज्यादा फर्क है, और ऐसे ही 3 और 54 में भी बहुत ज्यादा फर्क है। 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दू, क्यूब कर दू, और ये मेरे पास आ जाएगा 27, 27 का दुगना होता है ये, है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लू तो ये मेरे पास आएगा 54, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, यही यहाँ पर भी हो रहा है, ये नहीं, तो 5 का क्यूब 125, 125 से 500 तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 5 - 1, ठीक। तो यानी कि मेरा तर्क जो स्थापित हुआ वो कुछ इस प्रकार है कि जो दूसरी संख्या है उसका मैं क्यूब करूंगी और उसको गुना करूंगी मैं दूसरी संख्या में से 1 माइनस करने पर, तो मेरे पास पहली संख्या आ जाएगी, ये मेरा तर्क है। तो इसको देखते हुए देखते कौन सा ऑप्शन इसका अनुसरण कर रहा है। पहला है 100, नहीं सॉरी, यहाँ पर इसको उठाते हैं, मेरे पास दूसरी संख्या दी हुई है, तो प्रश्न चिन्ह और 4, तो 4 का क्यूब गुना 4 - 1, 4 का क्यूब 64 होता है, और 64 को अगर मैंने 3 से गुना कर दिया तो मेरे पास 192 आता है, तो ये 192 है इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, उस विकल्प का चयन करिए जो छठी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी से संबंधित है और तीसरी चौथी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पर ये दो संबंध, इन दोनों संख्याओं में आपस में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों संख्याओं में है, और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा इसका आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपके पास 44 और यहाँ पर 4 है, तो इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, 4 को अगर मैं 4 के स्क्वायर में से 5 को माइनस कर दू, इससे मल्टीप्लाई कर दू 4 को, तो मेरे पास 44 आ जाएगा। कैसे, देखिए 4 × यहाँ पर 16 - 1, तो ये मेरे पास 44 आ गया। देखते हैं वही अनुसरण यहाँ पर हो रहा है, नहीं, 287 और 7, तो यहाँ पर 7 को अगर मैं गुना करती हूँ 7 के स्क्वायर और उसमें से मैं 8 को माइनस कर देती हूँ, यानी कि 7 का अगला नंबर, 4 का अगला नंबर यहाँ पर 5 था, 7 का अगला नंबर यहाँ पर 8 है, तो 7 × 49 में से 1 माइनस किया, 8 माइनस किया, तो 287 आ गया।
यानी कि मेरा तर्क क्या रहेगा कि दूसरी संख्या गुना दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस एक माइनस दूसरी संख्या जमा एक। ये मुझे पहली संख्या देगी। तो इसी प्रकार यहां पर प्रश्न चिन्ह और यहां पर 10 है, तो इसका अर्थ क्या रहेगा? 10 गुना दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 10 में से एक जमा, 10 में एक जमा किया गया तो 11 आ गया, तो ये रहेगा 100 माइनस 11 99, 890। तो ये है इस प्रश्न का सही उत्तर, 890। डी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48। एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, जब इस कागज को खोला जाएगा तो ये जो शेप है, क्योंकि ये सटी हुई है, ये कुछ इस प्रकार से इधर आ जाएगी। इसी प्रकार ये शेप कुछ इस प्रकार से इधर नजर आएगी, और ये जो ट्राइंगल है वो इधर इधर और इधर आ जाएगा। अब ये जो सर्कल है वो यहाँ पर और यहाँ पर आपको दिखाई दे। अब इसको देखते हुए चलिए देखते हैं कि ये किससे मेल खाता है। पहली में चारों के चारों जो ट्राइंगल्स हैं उनकी दिशा सेम है, तो ये गलत है क्योंकि ट्राइंगल्स आपस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि ट्राइंगल्स कुछ इस प्रकार से थे। ये भी गलत है आपका। हाँ, ये सही है, हमारी जो आकृति हमने ड्रॉ की है वो बिल्कुल इससे मेल खाती है, और यहाँ पर भी सारे ट्राइंगल्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये भी गलत है, जिसको देखते हुए सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप पूछिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते, प्रश्न नंबर 49। ए बी सी डी ई एफ जी अलग अलग लंबाई के हैं। ए बी ए केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, डी केवल जी से छोटा है, एफ ए से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, सी ई से छोटा है। कितने लोग ई से छोटे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कितने लोग हैं, यहाँ पर सात, तो सात जगह बना देते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात। सबसे पहले ए केवल दो व्यक्तियों से लंबा है, तो ए आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये ऐसे हैं, सबसे लंबा उससे कम उससे कम। डी केवल जी से छोटा है, तो इसका मतलब डी यहाँ पर आ जाएगा और जी यहाँ पे आ जाएगा। आगे है आपके पास एफ ए से लंबा है, तो एफ इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर हो सकता है, एफ को दो मिनट में छोड़ देते हैं। अच्छा, लेकिन बी से छोटा है, एफ ए से लंबा है, बी से छोटा है, तो यहाँ पर बी और यहाँ पर एफ। सी ई से छोटा है, तो यहाँ पर आएगा आपका सी और यहाँ पर आएगा ई। तो सबका सबके सब हमने उनकी जगह पे रख दिए। अब प्रश्न है कितने लोग ई से छोटे हैं, तो ई से छोटे कौन है? ई से छोटे एक ही है, सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस प्रश्न पेपर के, इस क्वेश्चन पेपर के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे दिए गए समूह की संख्याएं हैं। तो आप भी इस प्रश्न में भी आपको पूरे की पूरी संख्याओं पर जो भी है क्रिया संक्रियाएं वो करनी है, 13 को पूरे के पूरे 13 पर संक्रियाएं करनी है। आप उसको एक और तीन में तोड़ नहीं सकते हैं और उस पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिए गए दो समूह हैं ये, इनको लिख लेते हैं और इनका तर्क स्थापित करते हैं। 30, 625 और 5 यहाँ पर है, 20, 225 और 5। देखिए, जब मैं 625 और 225 को देख रही हूँ तो मेरे सबसे पहले दिमाग में ये आ रहा है कि ये है 25 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर। 25 कहाँ से आएगा मेरे पास? 30 और 5 को अगर मैं माइनस करती हूँ, और 15 आता है अगर मैं 20 और 5 को माइनस करती हूँ। तर्क स्थापित हो गया। तर्क क्या है कि पहली संख्या में से जब मैं दूसरी संख्या को माइनस करती हूँ और उसका स्क्वायर निकाल, माफ कीजिए, तीसरी संख्या को
करती हूँ माइनस, और उसका स्क्वायर निकालती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आई। ठीक है, तो उसके अनुसार चलिए पहला ऑप्शन उठा लेते हैं आपका। पहला ऑप्शन है 19, 227 और 7। 19 और 7 को आपस में माइनस किया तो मेरे पास आएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, जो कि 227 नहीं है, तो ये मेरा उत्तर नहीं है। अब दूसरा बी विकल्प, बी विकल्प है आपके पास 21, 297 और 6। 21 में से जब मैंने 6 को माइनस किया तो मेरे पास आया 15, जिसका स्क्वायर 225 होता है, 297 नहीं होता। आगे तो ये भी मेरा गलत हो गया। सी ऑप्शन 32, 280 और 5। अब 32 में से जब मैंने 5 को माइनस किया और उसका स्क्वायर किया, मेरे पास आया 27। 27 का स्क्वायर होता है 729, जो कि 280 नहीं है, तो सी भी गलत विकल्प है। अब 24, 256 और 8। 24 में से जब मैंने 8 निकाला और उसका स्क्वायर किया, यानी कि 16 का स्क्वायर, जी ये 256 आ गया, तो ये है मेरा सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने सभी के सभी प्रश्न हल कर लिए हैं, और आप हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। स्टूडेंट्स, आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एक बेहतर तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे प्रश्न पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे एक अच्छी तैयारी के लिए, और ये सब कुछ फ्री है। और स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और एक बहुत ही बड़ा बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर्स के लिए।